और जो सही है उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो ये देखो, ये कहता है, एक क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ आइस फॉल फ्रॉम द हाइट एच, एच हाइट से एक आइस का पीस गिरा। चलो ये हमारी आइस है, ये हमारा ग्राउंड है। अब मैं आइस को गिराऊंगा, कहाँ से गिराऊंगा भाई, एच हाइट से गिराऊंगा। ये जो है हाइट एच है, अगर ये हाइट एच है तो इस एच हाइट से मैं एक आइस का पीस गिराता हूँ, और इस एच हाइट की वजह से इस आइस के पास पोटेंशियल एनर्जी है जो कि मेरे प्यारे बच्चों एम जी एच के इक्वल है ना। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है तो आइस नीचे आएगा तो आइस की जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वन क्वार्टर ऑफ द हाइट अब्जॉर्ब, वन क्वार्टर ऑफ द हीट अब्जॉर्ब बाई द आइस एंड ऑल ऑफ द आइस गेट कन्वर्टेड इंटू कन्वर्टेड एंड इंटू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग बात होती है कि जब आइस गिरेगा, वन क्वार्टर ऑफ द हीट अब्जॉर्ब बाई आइस एंड ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी, सभी जो एनर्जी है आइस की वो तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है और कम्प्लीटली मेल्ट हो गया, आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो गया, समझना, अब यहाँ से आइस गिरा तो उसकी जो एनर्जी है पोटेंशियल का काइनेटिक कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक का हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और हीट एनर्जी के कन्वर्ट होने के बाद आइस मेल्ट हो गया, वाटर हो गया। अब अगर आइस मेल्ट हो गया तो ये कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन ये लगा रहे हैं कि अगर चलो मान लिया मैं आपका आइस मेल्ट हो गया तो ये जो आइस मेल्ट हो रहा है वो वन क्वार्टर ऑफ द हीट प्रोड्यूस अब्जॉर्ब बाय द आइस, जो हीट प्रोड्यूस हुआ पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच में, एम जी एच हीट में प्रोड्यूस हो गया तो उसका वन फोर्थ ही आइस लिया, तो बाकी कहाँ गया, ठीक है, बाकी वेस्ट हो गया होगा यार, ठीक है। चलो तो ये अगर मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया तो इसको मेल्ट होगा, इसका मतलब इसको हीट एनर्जी मिला होगा, ठीक है, और ये हीट एनर्जी मिला होगा, और हीट एनर्जी जब स्टेट चेंज करने के लिए ML यूज होता है, स्टेट चेंज करने के लिए ML होता है, क्योंकि ये पूरा मेल्ट हो गया हीट। अब ये जो एनर्जी है दैट इज क्यू, वो कहाँ से आएगी, वो आएगी इससे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसका 1/4 इसको मिला, ठीक है। ये जो MgH है, MgH है उसकी जो यहाँ पे कन्वर्ट हुई तो इसको, इसको जो हीट एनर्जी मिली इसका 1/4 ही मिला MgH, दैट इज, ठीक है, इसको ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। तो ये जो MgH बाई फोर्थ दैट इज इक्वल टू ML लेटेंट हीट, M ने M को, तो हाइट H की जो वैल्यू आएगी 4 लेटेंट हीट अपान GH, G के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू रख दो, अरे आ रहा समझ में मेरे भाई, ठीक है, 4 और लेटेंट हीट की वैल्यू आ जाएगी 3.4 इंटू 10 की पावर 5 और डिवाइड कर दूँ जी कहाँ गया भाई, जी की वैल्यू 10 तो 16 और 12, ठीक है, तो 136, ठीक है, 136 और ये किलोमीटर में दिया है, 136 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, हाँ 136 किलोमीटर जो कि 136 ए ऑप्शन सही है ना, समझ में आ गया, बहुत आसान।